नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए खास तौर पर यह वीडियो और जानकारी लेकर आए हैं जिन लोगों को दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन इसके गुणों को वो लोग अच्छी तरीके से भली भांति रूप से जानते हैं कि दाल कितनी पौष्टिक होती है, शरीर के लिए कितने प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार होता है इन दालों के अंदर, लेकिन उनके स्वाद की वजह से केवल वो लोग खा नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपको हम बताने वाले हैं जिसके जरिए आप दाल को खा सकते हैं, और दोस्तों इसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे वो भी आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको दाल का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता तो आप मिक्स दाल खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा तरीका जिसमें अपनाकर आप सभी दालों के पौष्टिक तत्वों को आसानी से पा लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको मिक्स दाल बनानी होगी। 4-5 दालों को आपको मिक्स करना है और फिर खाना है। ऐसा करने से दाल में नया स्वाद आ जाता है और साथ ही साथ सभी दालों के पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो सेहत के लिहाज से भी मिक्स दाल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में मिक्स दाल बनती जरूर होगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको मिक्स दाल के बारे में पता तक नहीं होता है, वो सिंगल सिंगल दाल ही खाते हैं। आप मिक्स दाल बनाकर खा सकते हैं, इसका टेस्ट भी एक अलग सा आता है, बहुत अच्छा सा आता है, और जो पौष्टिकता होती है दालों में वो पौष्टिकता आपके शरीर को मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर आप एक सिंगल दाल के टेस्ट को अच्छा नहीं समझते, आप केवल उसके स्वाद की वजह से नहीं खाते, तो आप मिक्स दाल को बना करके आप खा सकते हैं और दालों से होने वाले बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो मिक्स दाल होती है इसको खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इसे पंचरत्न दाल में शामिल बनाकर बनाया जाता है। यह आपको बेहतरीन स्वाद के साथ पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी देती है। दोस्तों, इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बेनिफिट्स दे सकती है आपके शरीर को। इसके अलावा दोस्तों, मिक्स दाल खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके शरीर को अलग अलग दालों में मौजूद पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसके अलावा आप किसी दाल से विशेष से होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे। अगर मान लो कोई दाल विशेष करके आपके लिए नुकसानदायक हो तो केवल उसकी जरा सी मात्रा ही उस दाल में शामिल होगी, तो उससे जो ज़्यादा नुकसान हो सकता है उससे भी आप बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मिक्स दाल को खाने में शामिल करके आप पाचन संबंधी जितनी भी समस्या हैं अगर आपको, तो उससे आप बच सकते हैं, और तबीयत खराब होने पर शारीरिक कमजोरी को भी आप दाल के माध्यम से दूर कर सकते हैं, और यह आपके शरीर को ताकत देने का भी काम करेगी। दोस्तों, चूंकि यह दाल सभी प्रकार की दालों को मिलाकर बनाई गई है, इसलिए इसके फायदे भी मिले जुले और ज़्यादा होते हैं। यह आपके वजन को बढ़ने से रोकती है और कफ पित्त जैसी समस्याओं को दूर करती है। इसमें राजमा होने पर यह किडनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यह रक्त विकारों को दूर करके आपकी त्वचा को साफ बनाती है। इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर करके बालों को भी मजबूती और चमक प्रदान करती है। यह आपके चेहरे पर चमक लाने का वर्क करेगी। मसूर की दाल सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होती है, और उड़द की दाल जो होती है उसका प्रयोग जवान बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो दोस्तों, यह दाल पाचन के मामले में भी सुपाच्य और काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर होती है, साथ ही बुखार और कुछ शारीरिक समस्याओं में भी लाभ देती है। मूंग की दाल से पाचन समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से आपका वजन भी कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, यह बहुत सारी बीमारियों से भी आपकी सुरक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों, इसके माध्यम से आप टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, दिल की बीमारियाँ और रीढ़ की हड्डी संबंधित जितनी भी गंभीर समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं को दूर करने में यह दाल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप मिक्स दाल आपको वो सारे फ़ायदे दे सकती हैं जो आपको नॉनवेज खाने से प्राप्त होते हैं। जी हाँ,
इसके अलावा आप सर्दी गले की समस्या से बचे रहना चाहते हैं तो ख़ास तौर से मसूर की दाल चिकन और मीट के सभी गुणों से ये भरपूर होती है। यानी कि अगर आसान भाषा में आपको बताऊं, एक चिकन और मटन जितना प्रोटीन आपको देगा उतनी एक मसूर की दाल आपको आराम से दे देगी। तो दोस्तों अगर आप शाकाहारी हैं तो आप इसको आराम से खाएं और ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की टिप्स आप लोगों के लिए। आपको टिप्स ये कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस दालों के इस प्रकार को समझ पाएँ और इसका यूज़ कर पाएँ। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।